आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है बिहार में, यह शर्मसार करने वाली घटना है। ये लोगों को कोरोना काल में घर घर घूम घूम कर, प्राइवेट क्लिनिक हो या सदर हॉस्पिटल हो, सब में घूम कर गरीबों का मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तारी की जाती है। यह सरकार जो सरासर अन्याय है, एकदम गलत काम कर रही सरकार नीतीश कुमार, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि उनकी बिना शर्त रिहाई नहीं हुई तो पार्टी और यहाँ के लोग, बिहार के लोग जन आंदोलन करेंगे और संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे। कोरोना काल में सरकार एक तरफ हाथ खड़ी करके खड़ा हो गई है। लोगों को दवा मिल रहा है, न बेड मिल रहा है, न फ्लोमीटर मिलता है, ऑक्सीजन का भी अभाव है। उस परिस्थिति में लोकतंत्र के आवाज को और जनप्रतिनिधि के आवाज को दबाने का काम करती है साथियों। इसलिए मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार से कि बिना शर्त पूर्व सांसद पप्पू यादव जाप नेता को रिहाई होना चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने के लिए बाध हो जाएंगे। ये बताइए कि पप्पू यादव का 32 साल पुराना मामला नहीं है, क्या लगता है विपक्ष की कमजोर होने के वजह से इस तरीके के सत्ता पक्ष के लोग तानाशाह हो गए? यही सरासर गलत है। राजू प्रताप रूढ़ी के आवास पर 60 एम्बुलेंस खड़ा है और उसका जब खिलाफ करते हैं पप्पू यादव, इनको गिरफ्तारी की जाती है। यह 32 वर्ष पुराना मामला है। क्या 32 वर्ष पहले इनको याद नहीं था का सरकार ये आज कोरोना काल में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है? अभी तो जन अधिकार पार्टी के लोगों ने कहा है कि आगे की रणनीति बनेगी, 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में ले लिया गया पप्पू यादव को, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे यदि बिना शर्त पप्पू यादव को सरकार रिहाई नहीं करती है तो हम लोग सड़क पर उतर के इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे।